अब जो है मैं यहाँ पर मोटर चेक करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर लगभग स्टार्टर दो और केबल तीन हैं, और मैंने जब मालिक को कॉल किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो है बोरवेल का प्रॉब्लम है, यानी कि बोरवेल जो मोटर है वो चालू नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, अभी मालिक भी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैंने चुपके से कैमरा निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे तो नहीं पता किसके अंदर बोरवेल की केबल कौन सी है। देखिए यहाँ पर एक केबल है, फिर यहाँ पर एक है, और एक अंदर ये वाली दूसरी होगी, तीसरी शायद नहीं है, यहाँ पर दो ही केबल है। ठीक है जान दो, लेकिन मुझे लगा कि तीन केबल है, दो ही केबल है। और इसमें अभी बोरवेल की केबल कौन सी है उसको कैसे पहचाने। हमने देखा कि यहाँ पर कुआं है, ये कुएं की मोटर है, और बोरवेल की मोटर लगभग मुझको दिख नहीं रही थी, लेकिन मैं अभी भी जाके देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। वो रही बोरवेल की मोटर वहाँ पर। ओके, तो वो जो है बोरवेल की मोटर है। अब उसकी जो केबल है वो यहाँ पर से आई है, ये केबल पकड़ के हम जाएंगे पैनल बॉक्स के पास। सांपों का थोड़ा सा खतरा रहता है, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रख के काम करें। ठीक है, तो इस तरह जो है बोरवेल की केबल आई है, इस प्रकार इस आंकड़े के ऊपर से घूम घूम के मैंने पता लगा लिया है इसको, कि ये वाली जो है नीचे वाली ये जो केबल है बोरवेल की है, और ये जो है कुएं की है। ये देखिए कुएं की तरफ जा रही है, इस प्रकार वो जो है कुएं के अंदर जा रही है। कुआं भी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। ठीक है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये कुएं का केबल है। अभी बोरवेल का हमने तार तो ढूंढ लिया, ये जो तार है वो है कुएं का। सबसे पहले हम मोटर का शॉर्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है 8 स्विच के अंदर दिखा रहा है, सिंगल फेज वोल्टेज है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, आपको करना ये होगा कि बल्ब, हमारे पास बल्ब होल्डर है। सबसे पहले मैंने इस क्लैंप मीटर से देख लिया है, ये स्टार्टर के अंदर इनपुट के अंदर सबसे बीच वाला जो पॉइंट है उसके अंदर 220 वोल्टेज आ रहे हैं। तो बल्ब का एक जो तार है, मेरे पास लैंप है, और लैंप का एक जो तार है लाल वाला, कौन सा भी जोड़ दो, तो इस मोटर के तीनों तार को जोड़ देना है। दूसरा जो तार है लैंप का मेरे हाथ में है, अभी मोटर का शॉर्ट चेक कर लेते हैं आपके सामने। ये देखिए कोई लैंप ग्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब मोटर शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है। ओके, ये तार यहाँ पर है और ये तार यहाँ पर लगा दी, मोटर शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको वोल्टेज पता नहीं है तो बारी बारी से लगा के देख लो सभी तारों के अंदर। इसके अंदर नहीं जल रहा है लैंप, इसके अंदर नहीं जल रहा है, इसके अंदर नहीं जल रहा है, लगभग तीनों के अंदर जल नहीं रहा, क्योंकि अभी हम अभी वोल्टेज था मुझे पता है यहाँ पर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप तीनों को लगा के देख सकते हो, क्योंकि जब आप मोटर का शॉर्ट चेक कर रहे हो तो 220 वोल्टेज यहाँ पर होने या फिर उससे ज़्यादा वोल्टेज होने ज़रूरी है। ठीक है, 180 से ऊपर होनी चाहिए। अब मोटर शॉर्ट तो नहीं है, अब मोटर की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को निकाला है। मल्टीमीटर को दो तार आते हैं, ये वाला राइट, किसी भी एक तार को लगा देंगे। इस मल्टीमीटर को दो तार आते हैं, ये वाला जो तार है हमने मोटर के पीले तार को जोड़ दिया। अब बारी बारी से सभी की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। पहले खुद मल्टीमीटर चेक करेंगे, हाँ मल्टीमीटर तो चालू है। अभी नीले को देख लेते हैं, नीले को हाफ दिखा रहा है, और इसको भी हाफ ही दिखा रहा है। इस पर शॉर्ट चेक कर लेते हैं हम। हार्ड कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 पे सिलेक्ट कर देना है। अब हम चेक करेंगे, मल्टीमीटर चेक कर लेंगे, मल्टीमीटर ठीक है। नीले को देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लाल को देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा, यानी कि मोटर के जो तार हैं वो कट दिखा रहा है, सब कुछ तारें कट दिखा रहा है। अब जो है हम केबल को छानबीन करते जाएंगे मोटर तक, कि हमको कहीं केबल का तार कट तो नहीं दिख रहा। चलिए अभी हम केबल देखते जाएंगे कि कहीं पर कट तो नहीं है। अब चलिए हम केबल को थोड़ा सा छानबीन मारते हैं, कहीं ऊपर केबल तो कट नहीं है, ये केबल यहाँ से गया है, यहाँ पर कहीं पर कट दिख रहा है कि आप देख लो, ये वाला केबल है।
ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम जॉइंट ढूंढेंगे, जॉइंट कहीं पर है क्या नहीं देख लेंगे। निकल नहीं रहा इसके अंदर से, ठीक है जाने दो बाद में देखेंगे, या फिर इधर खींच के भी ले सकते हैं, ठीक है जाने दो। सभी जो तारे हैं वो कट दिखा रहा है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, केबल को छेद पड़े हैं ऐसे, पता नहीं अभी किस चीज़ के छेद हैं। डायरेक्ट बोरवेल के अंदर गई है, मैं ऑफ कैमरा थोड़ा सा ढूंढ लेता हूँ और अगर मिल जाए तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं जो है अभी केबल के बीच में बैठा हूँ, पैनल बॉक्स इधर है, मोटर इधर है, और यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा खुला चीज़ मिल चुका है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, ठीक है यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पर जो है केबल जो है वो खुला था, इसीलिए हमने लाल और नीले जो तार है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब फॉल्ट जो है यहाँ से लेके पैनल बॉक्स तक नहीं, यहाँ से लेके मोटर तक है। हमने फिर से अपना जो काम है उसको जारी रखा। हमने जो है अब ठान ली कि अभी हम इसको ढूंढ के ही रहेंगे। ये जो केबल है मैं अभी हाथ से चेक करने लगा तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। अभी सभी जो तार हैं वो बस्ट यानी कि पूरे कट दिखा रहे हैं, इसलिए हमने केबल को खींच के देखा, केबल निकल नहीं रहा था। इसीलिए मैं फिर से वापस आ गया कि कहीं ऊपर तो कट नहीं है, इसीलिए मुझे बोरवेल के नज़दीक ही एक ज्वाइंट मिल गया और हमने सोचा कि चलिए अभी यहीं पर एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो इसको यहाँ पर हमने चेक करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों फिर भी हम उसमें नाकामयाब रहे, यानी कि यहाँ पर भी जो है मोटर की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं दिखा रहा था। इसके बाद हम समझ गए कि इसका सारा जो खेल है यानी कि इसकी जो तार हैं पूरी तरह से कट हो चुके हैं, जो कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है वो जो सारा जो चीज़ है वो बोरवेल के अंदर हो चुका है। अब हमको एक चीज़ जानना था कि वो बोरवेल के अंदर यानी कि पानी के अंदर हुआ है क्या पानी के बाहर हुआ है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ, जब कभी आपकी मोटर की जो तार है वो कट दिखाता है लेकिन शॉर्ट नहीं दिखाता है, ऐसे कंडीशन में आपकी जो मोटर की जो तार है ऊपर ही कट हुए होते हैं। इसीलिए हमने अभी इसका जो शॉर्ट है वो चेक करने की ठान ली। अब जो है इस मोटर का मैं शॉर्ट चेक कर लूंगा। यहाँ पर शॉर्ट चेक करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि बस मोटर बिल्कुल एकदम नॉर्मल यानी कि लगभग 1-2-3% शॉर्ट है। इसका मतलब मैं समझ गया कि ये जो भी सारी चीजें हुई हैं वो पानी की ऊपर हुई है, यानी कि पानी के अंदर अगर वायर कट हो जाता या फिर बस्ट हो जाता तो यहाँ पर तो शॉर्ट दिखाता, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं दिखा रहा था और सारे जो तारे कट दिखा रहा था। इसके बाद मैं समझ गया कि ये सारा चीज जो है पानी के ऊपर हो चुका है, इसीलिए मैंने फिर से ठान लिया कि केबल मैं बाद में फिर से एक बार खींचूंगा। अब अभी मेरे अंदर तो कुछ ताकत नहीं रही, अभी जो है मैं अगले वाले भाई को जो है उसको जो है केबल खींचने के मतलब केबल खींचने लगाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रिक हमेशा याद रखिए, मोटर जो है शॉर्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट नहीं दिखा रहा है और तार कट दिखा रहा है, तो ये सारा चीज जो होता है पानी के ऊपर होता है। अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो समझ लेना वो पानी के अंदर कट हुआ है, ठीक है। जब हमने दोनों ने मिलके इस केबल को खींचा तब जो केबल जो है ऊपर मतलब निकल आया, तो इसी तरह जो है हमने पता लगा दिया मतलब कि मोटर को हुआ क्या, तो मोटर की जो सारी जो तारे हैं वो कट हुए थे, इसीलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमने जो है इसको कहा कि अभी देखना है कितने फीट पर कट हुआ है, तो इसको हमने जो है केबल नापने के लिए कहा कि लगभग 2-3 पीस यानी कि 2-3 यानी कि ऊपर से लेके
30 40 फीट तक जो है वहां पर जो है ज्वाइंट कट हो चुका है। इसी प्रकार जो प्रॉब्लम मिल चुका है, हमने क्रेन बोला कि इसको रिपेयर करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मोटर फिलहाल जो है अच्छी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टेक केयर, गुड बाय। ट्रॅक्टर लगाय प्रॉब्लेम येतो असं जळल्या चालू राहिल्यावर, हे जे मोटरीपर्यंत करंट जात नव्हता ना, पण वरच्यावर चालू राहिलं। आता एक मिनिट, वरच्यावर आहे असं ट्रॅक्टर चालू झालं तर याला काय होत नाही, ट्रॅक्टरला काय नाही होत, जळत बिळत काय नसतो।